आपके पास आ गया डेटा आपने डेटा को समझना स्टार्ट कर दिया सब कुछ हो गया लेकिन जो एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट होता है वो एक वर्क फ्लो को लेके चलते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड को लेके चलते हैं और हर स्टेप बाय स्टेप गाइड को फर्दर स्टेप बाय स्टेप गाइड फर्दर स्टेप बाय स्टेप गाइड और फर्दर स्टेप बाय स्टेप गाइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं इसका मतलब क्या है मिसाल के तौर पर मेरे पास डेटा आया मैंने तो पहुंचल पाजा पह जाने जो मैंने पता ना आया कि डेटा की कह रहे हैं समझ रहे हैं मतलब डेटा अगर मेरे पास आ गया दो जीबी का मैं परेशान हुआ डेटा आ गया मेरे पास तो सिस्टम नहीं अच्छा ये नहीं अच्छा वो नहीं अच्छा सो आई शुड नो कि कौन सी स्टेप बाय स्टेप गाइड है सबसे पहली चीज डेटा की स्पेस कितनी है डेटा में वेरिएबल्स कितने हैं डेटा में कॉलम्स कितने हैं डेटा बना कैसे है डेटा कहाँ से आया किसने बनाया एवरी थिंग अबाउट डेटा विच इज कॉल्ड डब्ल्यू एच क्वेश्चन वॉट वेन वाई वेयर हाउ ये सारे क्वेश्चन आपने इनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं और लिखने हैं बकायदा ठीक है फिर आगे क्या होता है मैं भी आपको समझाता हूं फिर हम देखते हैं जनाबे वाला डेटा की डायमेंशंस को चार डिफरेंट डायमेंशन हैं डेटा की एंड ये चारों की चारों डायमेंशंस हर एक दूसरे के साथ बहुत लिंक्ड हैं एंड यू हैव टू लर्न दीज डायमेंशंस वेरी वेल ये है जी आपका डेटा ये आपके पास जो डेटा आया है आप इसके बाद क्या करेंगे चार डायमेंशन में डिवाइड करेंगे डेटा को सबसे पहले ये डेटा की कंपोजिशन चेक करेंगे आप डेटा बना कितने वेरिएबल्स में कितनी रोज हैं कितने कॉलम्स हैं कितने किस्म के डेटा टाइप्स हैं मिसिंग वैल्यूज हैं फ्लां चीज़ है फ्लॉँ चीज़ है, है, है ये है वो है समझ रहे हैं बात को हर एक चीज़ जो डेटा के बारे में आप देख सकते हैं यानी कि अगर आपसे कोई पूछे ये डेटा किस बारे में आप उसे बता सकें कि ये डेटा इस बारे में मतलब रटी हुई चीजें आप रटे से मुराद ये नहीं कि आप बैठ के उसे याद करें मतलब ये कि आपको पता हो ऑफकोर्स एक्सप्लोर करने से पता चलेगा देन यू विल सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा सही है डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऐज का कॉलम है आपकी सभी की एज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि जब हम डेटा को ड्रॉ करें उसका मेन क्या आ रहा है यानी कि सेंटर क्या है डेटा का फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप सबसे आपकी एज पूछूँ सो so, अगर आप मुझे एक रैंडम नंबर दें औरिजिनल एज नाम भी लिखें नो न यू राइट द रैंडम नंबर प्लीज इन द चैट कोई भी रैंडम नंबर एज का औरिजिनल नाम भी लिखे नो इशू अब इस डेटा को अगर आप एक रेंज में कन्वर्ट करें सो जो मुझे मेरी जो है वो आंखों के सामने चीज गुजर रही है पंद्रह साल का तेरह साल का बच्चा से लेके यहां पे सिक्सटी नाइन ईयर्स तक है ठीक है और एज माइनस में नहीं होती इस वजह से मैंने काउंट नहीं करा आई नो दैट दैट्स अ रॉन्ग एज अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा वरना बड़ा फनी काम हो जाएगा क्योंकि माइनस एक साल क्या सही है सो so एज जो है इट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर ठीक है अब तेरह साल से लेके सिक्सटी नाइन ईयर्स ओल्ड तक हमारे पास लोग हैं यह है रेंज डेटा इतना फैला हुआ है अब मैं अगर कहूँ ऑन एन एवरेज मेरे पास एज क्या है दैट इज अराउंड थर्टी मुझे पता है मैंने डेटा एनालाइज किया है अपनी आंखों से देख के मुझे समझ आ गया कि तीस या बत्तीस है हमारे पास एज ऑन एन एवरेज ये जो है ये डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है कि एवरेज के राइट right साइड पे कितने है लेफ्ट साइड पे कितने है और वो कर्व कैसी बन रही है जब हम डेटा को इकट्ठा रखते हैं ठीक है इस तरह आप डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं क्योंकि उस डिस्ट्रीब्यूशन पे कौन कौन सी चीजें डिपेंड करती हैं उस डेटा का यूनिवेरिएट एनालिसिस बाई एनालिसिस जो मैंने आपको पहले बताया एंड मल्टी एनालिसिस डेटा उस एज का कॉलम का आपस में क्या लिंक है अपने ही कॉलम के अंदर जो मैंने अभी चीजें बताई बाई वेरिएट यानी कि उस एज का नेशनैलिटी के साथ क्या लिंक है मल्टी वेरिएट उस एज का सिटी के साथ क्या लिंक है और वेट के साथ क्या लिंक है सो so, हर कॉलम का आपस में लिंक है. इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन देन वी विल डू द कंपेरिजन तीसरी डायमेंशन है कंपेरिजन की जब आप दो या दो से ज्यादा कॉलम्स को कंपेयर करते हैं या एक कॉलम को किसी एक सेट स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं दैट्स कॉल्ड कंपेरिजन ठीक है कॉलम मीन्स वेरिएबल वेरिएबल्स को आप डायमेंशन भी बोलते हैं फीचर भी कह देते हैं मशीन लड़ने की जुबान के अंदर सो यू नीड टू नो अबाउट दैट द फोर्थ डायमेंशन विच इज़ अगेन रेली इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड खो रिलेशन यानी कि दो चीज़ें आपस में बढ़ती हैं कम होती हैं क्या होता है ठीक है जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है तो ऑफकोर्स वेट भी बढ़ेगा ये तो नॉर्मल सी चीज़ है ठीक है कभी ऐसा थोड़ी ना हुआ कि हाइट बढ़ जाए वेट कम हो जाए कभी नहीं होता क्योंकि कम अज़ कम हड्डियों का वेट तो होता है ठीक है अब आगे चलते हैं ये चार डायमेंशन याद रहेंगी आपको इसका अगर स्क्रीन लेना लेने यू कैन टेक इट क्योंकि ये बारह दफा आपको बारह दफा डेटा साइंस के अंदर आपको यूज होने को मिलती है और स्क्रीन लेने के लिए अगेन स्निपिंग टूल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं आई विल टेक अ मिनट हेयर ताकि आप इसको अच्छे से स्क्रीन को सेव कर लें एंड वैन यू सेव द स्क्रीन शॉट प्लीज राइट इन द चैट डन भाई दावे ये ये टेक्निक पहले किसी ने पढ़ी है डेटा की डायमेंशनस कैसे हम देखते हैं डेटा हर फील्ड में लेकिन ये क्यों नहीं देखा हमने ओके एनी हाउ अभी आपको पता चल गया दैट्स गुड अच्छा जी स्टेटिस्टिकल प्ले लिस्ट के अंदर मैंने ये बताई हुई है दैट्स ग्रेट थैंक यू तला अब चलते हैं कंपोजिशन ऑफ डेटा की तरफ कंपोजिशन क्या होती है दिस डायमेंशन फोकसिस ऑन द पार्ट्स दैट मेक अप द होल समझ आई यानी कि डेटा बनाने वाली चीजें क्या हैं नंबर्स स्ट्रिंग्स वही चीजें जो हमने पढ़ी हैं स्टार्ट में फ्लोट इंटीजर है होल नंबर है स्ट्रिंग है करेक्टर है क्या है इट इज यूजफुल वेन यू वॉन्ट टू शो हाउ अ डेटा सेट ब्रेक डाउन इन टू इट्स कंपोनेंट्स इसकी मिसाल देता हूं आप सभी से अगर मैं पूछूं कि पाकिस्तान की किस किस सिटी से हैं तो मैं ग्रुप नहीं कर सकता सिटीज के अंदर आप सभी को ईजीली सेम डेटा की कंपोजिशन भी यही कुछ शो करती है कि आप पार्ट्स को होल बना दें या होल में से पार्ट्स में डिवाइड कर दें डेटा को बड़े डेटा को छोटे डेटा में डिवाइड करके सेंस बना दें समझ नहीं बात की सो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट इसमें क्या होता है डिस्प्ले टू अप ए स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा एज ए होल आप डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं मल्टीपल चीजों को समझते हैं डेटा को बताते हैं कि क्या है वट आर द प्रपोशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज कैटेगरीज को प्रपोशन देखते हैं हाउ मच ऑफ द टोटल डज ईच पार्ट रिप्रजेंट यानी कि फैसलाबाद में से कितने परसेंट लोग हैं लाहरिए कितने हैं कराची से कितने लोग हैं सिंध से कितने हैं पंजाब से कितने हैं मुल्तान से कितने हैं सोन हलवा कितना पसंद करते हैं बिरयानी कितनों को अच्छी बनाने आती है अगर मैं डेटा कलेक्ट करूँ तो किस किस को दाल पसंद है दाल माश किस को पसंद है पकौड़े किसको अच्छे बनाने आते हैं सो दीज काइंड ऑफ कैटेगरीज अगर क्वेश्चन पूछे जाएं, सो यू कैन एक्चुअली टेक एन एवरेज ऑफ दैट एंडसेंटेज यू कैन डू मल्टीपल काइंड ऑफ कैलकुलेशन ठीक है मिसाल के तौर पर आपके पास सुबह दस रुपए थे अब बीस हो गए तो कितने गुना बढ़ गए दो गुना ऐसे ही है ना एक था पहले दूसरा गुना बढ़ गया सो इस तरह की चीजें हम करते हैं इसमें पाई चार्ट बनते हैं बार चार्ट बनते हैं वाटरफॉल चार्ट बनते हैं एंड देन यू क्रिएट सम अदर चार्ट एज वेल सो ये यूजली किस काइंड के डेटा पे होता है कैटेगोरिकल डेटा के ऊपर कैटेगरीज के डेटा के ऊपर यूजली आप कंपोजिशन को देखते हैं कंपोजिशन इज यूजली ऑन कैटेगोरिकल डेटा फिर आती है डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज यूजली ऑन द नोमरिक डेटा जो मैंने एज की एग्जाम्पल दी थी शेप स्प्रेड एंड क्लस्टरिंग ऑफ डेटा पॉइंट पे होता है ठीक है और यहाँ पर आप क्या करते हैं डिफरेंट किस्म के प्लॉट्स बनाते हैं यहां पर आप बताते हैं कि हाइएस्ट वैल्यू क्या है मिनिमम क्या है मैक्सिमम क्या है एक्सट्रीम पर क्या है एवरेज पर क्या है कितनी रेंज है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आपके पास छोटे से छोटा बच्चा जो है इस कोर्स में कितनी एज का है बड़े से बड़े जो हजरत हैं वो कितनी एज के हैं सो so, इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट करते हैं ठीक है फिर कंपैरिजन आता है आप दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं मिसाल के तौर पे सिंपल एग्जांपल कोर्स में लड़कियां कितनी लड़के, कितनी लड़के कितने दैट्स इट सिंपल कंपैरिजन लड़के लड़कियों से कितने परसेंट ज्यादा इस है इस कोर्स में सिंपल एक्सपेरिमेंट है ठीक है अब अगर मैं कहूँ कि कितने लोगों की बी है वो परसेंटेज निकाल लें आप सिंपल एक्सपेरिमेंट है कंपेरिजन ऑफ टू थिंग्स बी है बी नहीं है तीन चीजों का कंपेरिजन कर लेते हैं जिनकी बियड है जिनकी मूछे हैं या क्लीन शेव है तीन हो गए हमारे पास ठीक है फिर हम अगली बात कर लेते हैं कितने लोगों ने हेडफोन्स लगाए हुए हैं और कितनों ने नहीं लगाए दो कंपैरिजन एनी काइंड ऑफ कंपैरिजन दैट यू कैन डू इन द डेटा दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डेटा डायमेंशन व्हिच इज कॉल्ड कंपैरिजन ठीक है अब यहां पे हम क्या करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस सेल्स और अदर मैट्रिक वो मैट्रिक आपने चूज करना है जैसे मैं लगा देता हूँ कि बियर्ड एक मैट्रिक है ठीक है या मैं कह हूं ब्लैक शर्ट किसने पहनी है या मैं यह कह देता हूं कि जी हमारे पास ग्लासेस किस किसने लगाए हैं तो वो मैट्रिक है ग्लासेस होंगे तो काउंट होगा नहीं होंगे तो नहीं होगा वट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज ओवर द टाइम और अक्रॉस कैटेगरीज यू डू दैट दैट बार चार्ट 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 लाइन एंड अदर वी विल सी लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज को रिलेशन दिस डायमेंशन फोकस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स टू डिटर्मन इफ देर इज अ को रिलेशन ऑन एसोसिएशन बिटवीन दैम मिसाल के तौर पे उम्र बढ़ने से वेट का क्या हाल हो रहा है बढ़ रहा है कम हो रहा है ठीक है सो एट वन स्टेज इट विल गो डाउन लेकिन स्टार्ट में बचपन से जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं उनका वेट भी बढ़ रहा होता है हाइट भी बढ़ रही होती है एक जगह पे आके नॉर्मल हो जाता है ना वेट बढ़ता है ना हाइट बढ़ती है फिर एक जगह पर सिर्फ वेट बढ़ रहा होता है हाइट कम हो रही होती है मतलब रुक जाती है कम से मुराद की वो बढ़ती नहीं है उसके साथ सो so, हमारे पास उस तरह के जो कंपैरिजन होंगे टू वेरिएबल्स तीन वेरिएबल चार इनवर्स रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप नेगेटिव रिलेशनशिप वो हम फाइंड आउट करते हैं और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास को रिलेशन होता है वो पियर्सन को रिलेशन होता है स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में स्पीय मैं कैंडल स्टाओ होता है एंड आर वी विल लर्न डोंट वरी सो ये हमारे पास चौथी डायमेंशन है अब ये चार के चार डायमेंशन हमें क्या बताती हैं जनाब कंपोजिशन में डेटा कैटेगरीज वाला होता है डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादातर नुमैरिक कंपेरिजन में एवरी एंड को रिलेशन में उनका आपस में रिलेशनशिप यानी कि इसमें इनके मुखालफतें देखनी हैं इसमें हमने इनका रिलेशनशिप देखना ऑफ कोर्स वी विल ऑल्सो सी डिफरेंट काइंड ऑफ कंपेरिजन कैटेगरीज के दौरान समरी ये कहती है जी कंपोजिशन शोज द ब्रेक डाउन ऑफ होल इन टू पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम स्प्रेड ऑफ डेटा पॉइंट कंपेरिजन कंपेयर डिफरेंट डेटा सेट्स और कैटेगरीज को रिलेशन एक्सप्लोर रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स ठीक है तो ये एक बेसिक समरी है चारों के चारों डायमेंशन की एंड देन यू कैन हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन दीज फोर डायमेंशन अगेन दीज फोर डायमेंशन की बेस पे हम काम करने वाले हैं सबसे पहले हम कंपोजिशन देखा करेंगे फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखा करेंगे फिर हम कंपेरिजन एंड कोरिलेशन देखेंगे एंड ये सारा कुछ मिलके क्या बनाता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस एडीए को अगर आप हिस्सों में डिवाइड करें दिस इज वॉट यू गेट समझ आ गई सिंपल और इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स भी आती है और जो दूसरी है वो स्टेटिस्टिक्स भी यहां पे आएगी विच वी विल सी इंशाला आने वाले दिनों के अंदर इंफ्रुएंशियल बोला जाता है उसे इन्फ्रुएशियल या डिस्क्रिप्टिव ठीक है जी ये था जी पार्ट अबाउट डेटा कि डेटा क्या है क्यों है कैसे डेटा really के डायमेंशन है एंड वाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू नो कि आपके पास जो डेटा है वो किस तरीके से मैटर करता है एंड आपने क्यों अंडरस्टैंड करना है डेटा को अब ऑफ कोर्स डेटा साइंटिस्ट बनने से पहले आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि डेटा नाराज ना हो जाए आपसे सो तो आपने डेटा को बड़े अच्छे तरीके से समझ के फाइनलाइज करके क्लीन करके जाना है अब कुछ लोग कहते हैं मशीन लर्निंग सीख लो डेटा साइंस सीखने की ज़रूरत नहीं है भाई डेटा खराब होगा तो मशीन ने भी खराब आंसर देना है ना मशीन डेटा से सीख रही है डेटा गलत सिखाएगा तो मशीन भी गलत बोलेगी अक्सर अंकल होते हैं ना बच्चों को गलत बातें सिखा देते हैं ठीक है हमारे बचपन में अक्सर अंकल होते थे तो देखना ये मेरा बेटा वहाँ पे जाके दीवार पे मुक्का मारेगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो ऐसे ही होता था उसको कुछ नहीं होता था क्योंकि उसको बात ऐसी सिखाई गई कि तुम तो मारो मुक्का तो समथिंग लाइक दैट बचपन में हम अक्सर अवकात बच्चों को ऐसी चीज़ें भी सिखा दी जाती हैं जो नहीं सिखानी चाहिए या कुछ ऐसा सिखा दिया जाता है जो वो सीखना चाहते हैं सो इट डिपेंड्स ऑन द डेटा आप कैसे ट्रेन करते हैं आपका मॉडल कैसे ट्रेन करेगा सेम वही चीज़ है पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चे किस तरीके से कहाँ पे गुस्सा करेंगे कहाँ पे नाराज़ होंगे कौन सी सब्जी पसंद है कौन सी नहीं पसंद है क्या खाते हैं क्या नहीं खाते क्यों उन्होंने ट्रेन किया है उन्हें ऑन जो डेटा उन्होंने प्रोवाइड किया है उस पर वो ट्रेन हुए सो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल डेटा क्लीन साफ़ सुथरा अच्छा तरीके वाला उस पर मॉडल ट्रेन होगा मॉडल भी उतना ही साफ सुथरा अच्छा एक्यूरेट प्रोडिक्शन में हर एक चीज़ अच्छी करेगा डेटा गंदा होगा डेटा में इरेगुलरिटीज़ होंगी मॉडल भी गएगा कभी मेरा दिल करता है दिखी प्रोडिक्शन करा कभी मेरा दिल करता है गलत प्रोडिक्शन करा समझ रहे हैं बात को मूड डिपेंडेंट हो जाएगा मॉडल सो कंसिस्टेंटली मेंटेन रखने के लिए यू हैव टू क्लीन द डेटा यू हैव टू एक्सप्लोर द डेटा यू हैव टू लर्न अबाउट द डेटा जिस डेटा साइंटिस्ट को डेटा से उनसीयत हो जाती है ना वो डेटा साइंटिस्ट कुछ भी करवा सकते हैं मशीन लर्निंग के थ्रू मिसाल मैंने आपको पहले दी कि आजकल जो बड़े बड़े ए के मॉडल्स हैं ना उनके पीछे करेक्ट डेटा है ये जो ए आई करके गलत रिजल्ट देती है उसकी वजह इनकोरेक्ट डेटा है समझ रहे हैं बात को चैट जी से आप कुछ लिखवाने लिखवाने बैठ जाए ना कुछ की वर्ड यूज करता है डेलविंग इन एक कीवर्ड यूज करता है वो

सो so, यहां पे यही नहीं इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा डेटा ट्रेनिंग के अंदर ये चीजें हैं ठीक है चैट जीपीटी से आप पेपर लिखवाने बैठे जरा आपको वो कहता है ना सर्टनली इज योर आंसर आंसर वो किसी ने स्टार्ट में उसको पुट कर दिया कि ये आंसर देना है अब अक्सर औकात साइंटिस्ट ने एज इट इज उसे कॉपी किया हुआ है पेपर्स में पब्लिश भी किया हुआ है और यहां पे बड़ी बड़ी डिबेट चली हुई है ट्विटर के ऊपर रिगार्डिंग दैट सो वही बात दौर ऐसा है अपने आप को समझा के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर चलें इनशाला यू विल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स रिसेंटली ऑप्टिमस रिपोर्ट्स रोबोट्स एलनमस्क ने लॉन्च किए हैं प्लस उसने रोबोट टैक्सी भी लॉन्च की है ठीक uh, है, है और अगर आप दोनों को देखें लोगों की बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि कोई ऑपरेट कर रहा था रोबोट्स को पीछे से ये सेल्फ लर्निंग से नहीं चल रहे थे और जो बातें भी वो कर रहे थे सम बडी वॉज हैंडलिंग इट ये बड़ी डिबेट चल रही है बाकायदा क्यों क्योंकि उन्होंने रोबोट्स की मूवमेंट में ऐसी चीज़ें तलाश की हैं जो बेसिकली Uh, आप कह सकते हैं नॉन रोबोटिक हैं कोई कंट्रोल नहीं जैसे कर रहा हो तो जैसे हम गाड़ी चला रहे होते समथिंग लाइक दैट सो इस वजह से उस पर डिबेट चल रही है सो so, दुनिया इस तरह की डिबेट करे तो ऐसे ही कर रहे हैं यू नो बेटर देन मी सो मेरे ख्याल से ये लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं अभी और आपको समझ आ गई होगी कि वी आर गोइंग इन टू दैट डायरेक्शन